और यहाँ पर ना 1 लाख शिवलिंग की स्थापना हो रखी है। तो इसमें बहुत सारे शिवलिंग हैं, तो इसमें जो शिवलिंग है ना हर युग के हैं। मेरा नाम पंडित रहमानंद गौड़ है, मैं यूट्यूब में आता हूँ बेटा, मैं दूरदर्शन के लिए। ये हरे रंग का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का वो शिवलिंग है, अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से और अपना रूम भाई बहुत मस्त मिल गया है भाई। ये समझ लो जो ऑनर है ना वो भी शौक है भाई, इतने कम रुपए में तुमने कैसे बुकिंग कर ली। गोवा वो से बुकिंग करते रहता हूँ तो मुझे ऑफर मिल रखे थे, तो भाई मैंने ऑफर में बुकिंग करी तो कह रहे भाई बहुत ही कम प्राइस है। मैंने कहा सर मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसका देखो कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं रूम दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया रूम है। और अभी निकलते हैं थोड़ा मार्केट की तरफ यार, बाहर को ना घूमने के लिए, हमने भी नहीं देखा है। और जो होटल वाले भैया थे उन्होंने बोला कि 7 बजे के टाइम में लाखा मंडल में जो मंदिर है ना उसमें आरती होती है, और भाई बहुत अच्छी होती है, एक बार जाकर देख कर आओ। मैंने कहा बिल्कुल यार, दर्शन भी करके आएंगे, आरती भी देख कर आएंगे। यह है अपना रूम, अमन लेटा हुआ है अभी ना, थोड़ा डाटा शेयर कर रहा है, ये इंस्टा में फोटो तो लगाएगा। और बेड देखो भाई, 2 तगड़े तगड़े बेड हैं भाई, हम दोनों तो एक में सो जाएंगे, बच भी जाएंगे, अगर 4 लोग भी होते ना बड़े आराम से जाते। और ये देखो ये हमने अपना जूते वूते फैला दिए भाई, बाकी उधर रेनकोट सूट डाल रखे हैं, ये बैग रख रखे हैं, चार्जिंग पॉइंट भी बहुत सारे हैं। देखो ये एक उधर भी है, और अपने खिड़की के बाहर तो जो नज़ारा आता है ना भाई, दिखाता हूँ यार क्योंकि यहाँ जाली लगी है ना तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, बाहर से दिखाता हूँ, बहुत तगड़ा नज़ारा आता है भाई यहाँ से। बरकोट के रास्ते में पड़ता है लाखा मंडल, तो हमने कहा क्यों ना यार एक दिन लाखा मंडल रुका जाए। और लाखा मंडल में एक प्राचीन मंदिर है लाखा मंडल, तो अभी हम लोग आए वहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो पहले दर्शन कर लेते हैं फिर यहाँ की इन्फॉर्मेशन देते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले यार भोलेनाथ के दर्शन करके आते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आपको इस मंदिर की मान्यता। तू दूर न होना शंभु, मैं किसी और का हो ना पाऊंगा, मैं किसी और का हो ना पाऊंगा। अभी अंदर गए हम दर्शन करके आए, और यहाँ पर देखो कितने शिवलिंग है भाई, पूरे मंदिर प्रांगण में ना, मतलब जहाँ भी खुदा हुआ है ना वहाँ शिवलिंग ही शिवलिंग है। देखो अभी मंदिर के दर्शन तो हो गए हैं और काफ़ी अच्छा लगा और मन को काफ़ी शांति मिली। और यहाँ पर ना 1 लाख शिवलिंग की स्थापना हो रखी है, तो इसमें बहुत सारे शिवलिंग हैं, तो इसमें जो शिवलिंग है ना हर युग के हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। यहाँ पर ना एक पुजारी जी हैं, उन्हें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो चलो उनसे बात करते हैं, अगर उनके माध्यम से पता लगेगा ना तो आप अच्छे से समझ पाओगे। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर महादेव। मेरा नाम पंडित महिमानंद गौड़ है जी, मैं यूट्यूब में आता हूँ बेटा, मैं दूरदर्शन पे भी आता हूँ, मेरे इंटरव्यू होते रहते हैं। मैं मंदिर का के किस प्रकार देवी जी पौका बजी हूँ, हम जिसको इस भोले के दरबार में आशीर्वाद दिलाते हैं उनकी तमन्ना पूरी होती है। तो सबसे पहले आपको हमारे इष्ट देवता के तरफ से आपको आशीर्वाद, हमारे पुजारियों के तरफ से आप लोगों को नमस्कार है। इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने, गौ माता एक जमुना नदी पार से आती थी महाराजा की, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है, जिसकी खोज गाय ने की है। आपने पत्थर शिला पे पार्वती माँ के चरण देखे हैं, 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये त्रेता युग का है, राम जी के टाइम का, रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के लेगी श्रीलंका पहुँचाई है अशोक वाटिका में। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गई, सोयत बंद रामेश्वर में उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है। ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के शिव मंदिर में इसकी स्थापना है
या तो सोवियत बंद रामेश्वर में जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए सोवियत तो पुल बांधा था। ये हरे रंग का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है, 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा 4 धाम की इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है, वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे, 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है उस गाय के खून के निशाने। माता है, ये राक्षस है, भैंसा ये राक्षस है, इसने भैंस का रूप धारण किया, भगवान को भक्षण करने जा रहा था शिव जी को। माता जी समझ गई दुर्गा माँ कि मेरे पति को भक्षण करेगा, उसने उसकी टांग पकड़ ली, कमर पे गदा मारा, सिर पे पांव रखा, इसको दबोच दिया है। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाका महल बनाया, लक्ष्य ग्रह वो ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ लाल ईट है, इस ईट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंदर ग्राउंड सुरंग है, ये सरकार ने बंद कर दी बेटा। यहाँ से पांडव लोगों को विदुर ने सुरंग बनाई और पांडवों को यहाँ से बाहर निकाला। नीचे सड़क पे आपको एक गुफा मिली आते समय, हाँ जी मिली, वो है पांडव गुफा। पांडवों को यहाँ से विदुर ने उस गुफा से बाहर निकाला। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। अब ये कलयुग है, कलयुग में ये शंकर जी हैं, सत्य माँ के भोले बाबा, इनका हीरे मोती का मुकुट है। और ये दानव है राक्षस, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है बेटा। यहाँ पे ये शिवलिंग है सामने, बड़ा शिवलिंग, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से, मंडलेश्वर महादेव। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं, 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी उनकी डेड बॉडी यहां लाते थे। ये हवन कुंड है, ये सुरंग है, इसके बीच में डेड बॉडी रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरावा आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध बाप खिलाता था। और जो ये इधर है, जैसा नीचे घास मट्टी है वैसा पहले इनके ऊपर था, ऐसा मैदान था इनके ऊपर। तो ये 2007 में खुदाई में निकले हैं। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200, 300, 400 मीटर तक कहीं भी खुदाई करेंगे तो यहाँ पे भगवान ही भगवान प्रकट होते हैं। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव, उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग, भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है जी। इस भगवान की इतनी बड़ी महिमा है। वीडियो के माध्यम से काफी कुछ जानने को मिला और आपने भी सुन लिया होगा, पंडित जी ने कितने अच्छे से समझाया हर एक चीज़। तो देखो मुझे बहुत सारी चीज़ें तो पता थी, लेकिन जो अभी उन्होंने बातें बताई ना, बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी भी नहीं पता थी, तो उन्होंने बताई काफ़ी अच्छी लगी और आपको भी अच्छी लगी होंगी। और अगर देखो यहाँ तक वीडियो देख चुके हो और आपको इन्फॉर्मेशन लगी, काफ़ी इतिहास आपको जानने को मिला, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। देखो बहुत एफर्ट लगता है भाई, और अभी तुम देख रहे हो बहुत टाइम हो गया हम लोगों को, बहुत चीज़ हमने पूछी, पंडित जी से बात करी, तब जाकर उन्होंने हमें इतिहास बताया। तो देखो वीडियो को लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर कुछ भी समझ में आए ना तो कमेंट में हर हर महादेव लिख देना, मतलब बहुत कुछ जानने को मिला यार। मैंने ना कई बार इस साइड आया हूँ, मैं सोच रहा था कि कभी लाखा मंडल के भाई दर्शन करूँगा, लेकिन भाई मैंने आज सोच रहा था कि आज लाखा मंडल के दर्शन करने हैं, तो मंदिर के दर्शन भी हो गए और एक जो इच्छा होती है ना वो भी पूरी होगी भाई, कि दर्शन करने हैं। तो आज दर्शन हो गए और आपको भी वीडियो के माध्यम दर्शन करा दिए, तो आपको भी काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो।
अभी और देखते हैं लाखा मंडल के आसपास क्या क्या घूमने को है। तो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं अगर कुछ होगा घूमने को तो आपको दिखाएंगे, ना तो फिर सीधा होटल में मिलेंगे। अभी आए हैं जी मंदिर से और शाम होने लगी थी यार, शाम क्या रात ही होने लगी थी, तो बाकी हम घूम नहीं पाए लाखा मंडल में कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं है। लेकिन बताया था एक नीचे गुफा है, वो तो हम कल जब घर रिटर्न होंगे ना तो उसको दर्शन कर लेंगे। एक गुफा ऊपर अभी बन रही थी लेकिन हमारे पास टाइम नहीं बचा था, पूरा नाइट हो गई थी, कुछ दिख नहीं रहा था और भाई रात के टाइम पर जंगल की तरफ जाना बेकार है, तो हम लोग गए नहीं घूमने के लिए। और दर्शन करने में बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसे करते करते पता ही नहीं लगा टाइम कब इतना हो गया, रात होने लगी। अब इस वीडियो को एंड भी करते हैं और देखो काफी अच्छी वीडियो थी यार, आप बताना कमेंट करके। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना है भाई, कमेंट में कुछ भी लिख देना, अगर कुछ भी समझना है तो हर हर महादेव लिख देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं एक नई ब्लॉग में।